26 जनवरी 1950 का कौन सा दिन था? गुरुवार। बताइएगा 26 जनवरी जनवरी 1950 का कौन सा दिन? ठीक है, एक क्वेश्चन कि 26 जनवरी 1950 का कौन सा दिन था। अब आप लोग को कोई इसमें ना कोड याद करने के लिए कहेंगे, किसी चीज का मतलब जो होता है ना आपको कोई याद करने का डायरेक्ट बनाने का आप लोग सिखाएंगे ट्रिक। ऐसा नहीं होता है कि जैसे कहने का मतलब कि कोई को होता है क्या कि आप लोग कोड सिखाया जाता है, बताइए 100 बार का कोड याद रख लिए, 1976 का कोड याद रख लिए, 1900 का कोड रख लिए, 1600 का कोड। अरे भाई हमको एक कितना याद रहेगा उसको, अगर बनाने अगर समझ जाएंगे तो कहीं भी बना सकते हैं, कोड बुला भी सकते हैं, तो बिना हम कोड के बताएंगे। ठीक है, अब बिना कोड के कैसे बताएंगे देख लीजिए। अब कह रहे हैं कि जनवरी 26 जनवरी 1950 का कौन सा दिन था। जब इस तरह से ऐसे टीचर पूछे कि 26 जनवरी 1950 का कौन सा दिन था, 15 अगस्त 1947 का कौन सा दिन था, तो उसको कैसे बनाएंगे। सबसे पहले क्या करेंगे कि जितना वर्ष दिया रहेगा उसे एक वर्ष कम लेते। अब दिया हमको कितना 1950 दिया है, एक वर्ष कम लेंगे। एक वर्ष काहे कम लेते हैं, क्योंकि अगर 1950 की बात करेंगे तो चला जाएगा 1951 में, ये चलते एक वर्ष कम लेते हैं, यानी एक वर्ष कम लेंगे, यानी 1950 बात करेंगे तो किसका बात होगा, 1950 का, ये चलते कम लेते हैं। ठीक है, आप देखिए 1949 क्लियर। अब इसको तीन भाग में पहले तोड़िए। अब देखिए कहने का 1949 ना इसे लीप शताब्दी और ज्यादा आना चाहिए, नहीं कम आना इसके, बल्कि वो जो होना चाहिए नजदीकी आना चाहिए। अब जैसे मान लिया कि हम 2000 दिए, ठीक है, तो 2000 इससे ज्यादा हो गया, इसको तो लेंगे नहीं। मान लिया अगर 1200 लेंगे तो यहाँ भी कुछ हो गया, ये तो कम है, ठीक है, मगर इसके नजदीक क्या कुछ भी हो सकता है, 1600 हो सकता है। तो बताइए 1949 का शताब्दी वर्ष जो होता है नजदीकी कौन हो सकता है, 1600 हो सकता है, तो 1600 ले लेंगे। अब बताइए लीप शताब्दी वर्ष काटने के लिए हम ऐसा चाहिए 400। आप बताइए 1949 में से 1600 चला गया तो बचा कितना, 349। तो आप बताइए लीप शताब्दी वर्ष कटेगा, नहीं कटेगा। अगर कह सकते हैं कि शताब्दी वर्ष क्या होगा, तो शताब्दी वर्ष 3 होगा, क्योंकि 100 वर्ष के बोला जाता है कि 1 शताब्दी वर्ष, यानी 300 होगा शताब्दी वर्ष। अब कितना वर्ष बच गया, 50। थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, एक बार देखिएगा वीडियो पूरा समझ में आएगा, कोई इसका ट्रिक व्रिक नहीं है एकदम। आगे देखिए जब 1600 हो गए, अब बताइए हम बोले थे कि 400 800 1200 1600 में अतिरिक्त दिनों की संख्या कितना होती है, 0, तो इसमें 0 लिख दे। यहां भी लिखा है कि 100 वर्ष में अतिरिक्त दिनों की संख्या 5 होता है, तो 300 में कितना होगा, 15 होगा, क्योंकि 1 और 5 पति आए। अभी बचा कुछ वर्ष ना, वर्ष में कितना से भाग बोले हमें सर, 4, तो 49 में 4 से भाग दीजिए, बचो कितना, 48 होगा, 1 शेष कितना बचेगा, 1, जो शेष बचता है उससे कोई मतलब हमको लेना देना नहीं है। ये जो भागफल आता है ना भाई, ये लीप वर्ष बन जाता है, कौन सी बन जाता है, लीप वर्ष, समझे, यानी 12 हो कुछ हो गया लीप वर्ष, तो लीप वर्ष की संख्या लिख लेंगे आपने, लीप वर्ष की संख्या कितना 12। अब बताइए 47 वर्ष 49 वर्ष में से हमको पता चल गया कि 12 को लीप वर्ष है, तो समान वर्ष क्या होगा भाई, 37 को, क्योंकि 49 वर्ष जो दोनों मिलकर वर्ष बनल होगा, समान वर्ष लीप वर्ष दोनों बन के मिलल होगा, तो यानी जब पता चले कि लीप वर्ष 12 को, तो समान वर्ष क्या को, 37 को, या इसे घटा लीजिए, मेरे 49 में से 12 घटा लीजिए तो कितना बचेगा, 37, यानी समान वर्ष की संख्या कितना है, 37। क्लियर है, आगे देखिए। अब जो है ये वर्ष का कहानी खत्म हो गया, वर्ष वाला जितना कहानी खत्म हो गया, हमको बाकी क्या करना है। तो अब ये चीज हम बताया था आप लोगों को कि समान वर्ष में कितना से गुणा करते हैं, एक से ना, अधिक वर्ष में कितना से, 2 से, तो लीप वर्ष में 2 से गुणा करेंगे, समान वर्ष में कितना, 12 बना के 24, इसमें कितना, 37। अब जो इसका 15 है, जो अतिरिक्त दिनों की संख्या 15 है, तो आप लिख लेंगे 15, इसको सबसे छोटा दीजिए, तो जब 24 दिन है, 7 से भाग से कितना बचेगा, 3 बचेगा,
ऐसे भाग लेगा 37 में 7 से भाग तो शेष 2 बचेगा। इसमें कितना भाग देगा तो 15 में 2 से भाग देंगे तो 7 से 1 बचेगा, 1 बचेगा। अब ये कहानी कोची हो गया, वर्ष का क्लियर हो गया। अब तक पूछा क्या था? 26 जनवरी तक ना, यानी 26 जनवरी तक निकालेंगे तो 26 में 7 से भाग से कितना बचेगा? 5 बचेगा। 5 जोड़ी अब पूरा दिन जोड़िए, यानी 26 जनवरी 1950 कौन सा दिन था? गुरुवार।